दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। सरकार द्वारा ग्रामीण जनता की सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार की योजना बनाई जा रही है। उस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनता की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़क निर्माण किया जाता है, लेकिन जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों व ठेकेदार द्वारा शासन की मंशा पर पलीता लगाते हुए उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में बाज नहीं आते हैं और करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसा ही एक मामला बड़नगर से अमला लोहारिया मार्ग पर बनाई गई प्रधानमंत्री सड़क है, जो कि कुछ समय पूर्व ही बनी है, लेकिन इस सड़क निर्माण ठेकेदार द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण सड़क उखड़ गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आग बंद करके बैठे हुए हैं। रोज निकलते हो यहाँ से? रोज निकलते हैं। पुलिया भी सब गिर गई है। इसका क्या पुलिया गिर गई? तो ये क्या है? पुलिया कहाँ है? पुलिया उधर लोहरिया तरफ। जल्दी ऐसा हो गया, नीचे ही दस कहाँ की पुलिया टूट गई भैया? मैं और वो लोहरिया और बिढ़ात की पुलिया दोनों नीचे दब गई है। पूरी बस के बस आधे आधे टायर दब जाते हैं अंदर। मतलब रोड के ठेकेदारों ने रोड सही नहीं बनाई है। आज आपके द्वारा एक सड़क को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? तो मामला यह है कि अमला रोड, अमला से लेकर लोहारिया तक का 20 किलोमीटर का रोड, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पाया गया है। 2 जुलाई के दिन उस रोड को चालू किया गया था, वो 10 जुलाई से उखड़ना शुरू हो गया। आप वहाँ की परिस्थिति देखेंगे, वीडियो मैंने यहाँ पे सब लोगों को दिया भी है, तो लोग देख भी रहे हैं। वो 8 करोड़ रुपये की सड़क बनी है और मात्र 10 दिन के अंदर उखड़ गई है। तो हम इस चीज़ से नाराज़ हैं, ग्रामीण जन नाराज़ हैं और हमने शासन को इसका आवेदन दिया है कि उन ठेकेदार और जो संबंधित अधिकारी है उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना का, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उसका जो राशि में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके आपने कहाँ कहाँ शिकायत की गई? इसकी शिकायत हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के केंद्र स्तर तक हमने इसकी शिकायत की है और वर्तमान में विभागीय अधिकारी और कलेक्टर साहब को शिकायत की है। रोड पर भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन दिया गया, क्या है प्रॉब्लम? आज कुछ लोगों ने ये समस्या हमारे सामने बताई है कि जो आमला का जो रोड है, जो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है, उसमें रोड अभी से खुदने लगी है और उसका जो निर्माण है वो बहुत पुराना नहीं है, उसको लेके शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हम उसकी तथ्यात्मक जांच कराएंगे और संबंधित ठेकेदार पर अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।